हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज फिर मैं आपके सामने यूपीपीएससी मींस 2018 जनरल स्टडी पेपर 1 का पॉइंट नंबर 7, जिसका टॉपिक है महिलाओं एवं महिला संगठनों की समाज में भूमिका, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और आप को इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे सक्सेस मंच पेज पे मिल जाएगी। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस पर जाकर हमारे पेज को लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पीडीएफ प्राप्त हो सके। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की ही मदद से हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, और यही हमारी ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है जो हमें वीडियो बनाने के लिए प्रमोट करती है। तो आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके। हम मेंस का पूरा कोर्स यहाँ पर कराएंगे, पहले हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कहीं नहीं आसानी से मिल रहा है वो कवर करते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल टॉपिक पर आएंगे जो बुक्स में आसानी से मिलते हैं। एक दो चीज़ें और मैं बताना चाहूँगी कि कल संडे का दिन है और कल मैं आप लोगों के सामने कुछ कमेंट्स के जवाब दूंगी जो कि बहुत कॉमन हो रहे हैं, और सबका एक एक का जवाब देना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए कल कमेंट्स के जवाब दिए जाएंगे आप लोगों के लिए। तो बहुत छोटी सी वीडियो है, उसको आप लोग ज़रूर देखिए क्योंकि ये आप ही लोगों के मन में उठे क्वेश्चन है जिसका जवाब हम लोग देंगे, और कुछ लोग ही पूछते हैं, सब नहीं पूछते हैं उस चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं, आज हमारा टॉपिक महिलाओं एवं महिला संगठनों की समाज में भूमिका। ये जीएस पेपर 1 का पॉइंट नंबर 7 है जो कि सिलेबस में दिया गया है यूपीपीएससी मेंस के। ये जो पॉइंट 7 है इसमें टोटल जो टॉपिक है वो ये है, महिलाओं एवं महिला संगठनों की समाज में भूमिका, जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय। इसमें हम पहला पार्ट करेंगे महिलाओं एवं महिला संगठनों की समाज में भूमिका। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सब टॉपिक मैंने डिवाइड किए हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो हम महिलाओं के ऊपर जो जो चीज़ें क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं हम उससे रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पर। आपको बस आंसर राइटिंग उसके अकॉर्डिंग करनी है जिस अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम पढ़ेंगे सब कुछ, आंसर राइटिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होगी, तो ये नहीं कि कुछ भी पूछा और कुछ भी लिख देंगे, जैसे क्वेश्चन पूछेंगे हाँ वैसे ही आंसर राइटिंग होगी। तो हम सबसे पहले अपराध के बारे में पढ़ेंगे, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध, फिर उसके उत्तरदायी कारण क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं जब उन अपराधों के महिलाओं के ऊपर क्या परिणाम होते हैं, उसको रोकने के लिए क्या क्या सुझाव दे सुझावों से आगे बढ़ते हुए हम उन संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे जो हमारे संविधान ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए हैं, महिलाओं को पुरुषों के साथ भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए हैं। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है समाज में भूमिका, महिलाओं की इस हमारे इस समाज में क्या भूमिका है, ये मेन टॉपिक हमारा मेन टाइटल है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा महिला संगठन, महिला संगठनों की भूमिका भारतीय समाज में क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हमने ये सब टॉपिक डिवाइड किए हैं। हमारी वीडियोस आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि हम क्वालिटी वीडियो बनाना चाहते हैं, क्वांटिटी वीडियो नहीं, इसीलिए हमारे वीडियोस में टाइम लग रहा है, तो इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन हमें क्वालिटी देनी है आप लोगों को, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, आप लोगों को हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं उसके बारे में बता दूँ। आज हम महिलाओं के विरुद्ध कौन कौन से अपराध होते हैं वो पढ़ेंगे, उसके उत्तरदायी कारण क्या है, परिणाम क्या होते हैं उसके, उस पर हम लोग क्या सुझाव दे सकते हैं, और संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं महिलाओं के लिए, वो सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध अपराध या संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो भारतीय समाज में हर जगह पाई जाती है, तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैंने सिर्फ पॉइंट्स दिए हैं, डिस्क्रिप्शन आप खुद करेंगे, इसको डिस्क्राइब अपने शब्दों में खुद करेंगे क्योंकि टू द पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, मैं आपको समझा जरूर दूंगी, आपको उसे अपने शब्दों में लिखना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा
जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, घर में होने वाली हिंसा, घर में ही अपने पति, भाई, फादर, इन सब के थ्रू होने वाली हिंसा, जो इन सब के थ्रू पीड़ित होने वाली महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, जिसका बहुत बड़ा परसेंटेज आज भी इंडिया में मौजूद है। ये सब चीज़ें ख़त्म तो हो गई हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, जो सामने नहीं आ पा रही हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं इनका शिकार अभी भी हैं। दहेज बहुत बड़ी कुप्रथा है भारतीय समाज की। आज के समाज में डाउरी लेना और देना दोनों खुलेआम हो रहा है, कोई भी इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सरकार द्वारा कई कानून इसके पर बनाए गए हैं, परंतु आज भी भारतीय समाज में इसको अपनी शान और आन का सिंबल माना जाता है, दहेज को। कन्या भ्रूण हत्या, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक हो गया है भारतीय समाज में। लोगों को लड़का चाहिए, इसकी वजह से लोग पहले ही लिंग परीक्षण कराते हैं गर्भाधान के बाद, और उसके बाद अगर लड़की निकलती है तो उन्हें कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं। मीन्स कि गर्भ में ही लड़कियों की हत्या कर देना, इसे बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या। बाल विवाह, बाल विवाह से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे। अब ये चीज़ें नहीं हैं, काफ़ी चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी जो पिछड़ी हुई एरिया है भारत में, वहाँ अभी भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है दुर्व्यापार। महिलाओं को दुर्व्यापार के लिए प्रमोट किया जाता है, उनको दूसरे देशों में भेजा जाता है व्यापार करने के लिए। ऑनर किलिंग होती है कि अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए किसी की हत्या कर देना, उसे ऑनर किलिंग कहते हैं। ऑनर किलिंग राज्य रजवाड़ों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये लोग अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए लड़कियों की हत्या कर देते हैं। वैश्यावृत्ति, महिलाएं गरीबी से परेशान होकर और बहुत सी ऐसी सरकमस्टांसेस हैं जिनसे परेशान होकर वैश्यावृत्ति की ओर धकेली जाती हैं। छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न, ये तो कॉमन समस्या है भारत की, हर गली नुक्कड़ मोहल्ले में ये समस्या देखी जाती है। चाहे कठुआ कांड हो, चाहे कोई भी ऐसी न्यूज़ जो लेटेस्ट है, आप इसको एग्जाम्पल में डालिएगा। जो भी मैंने आपको यहाँ पॉइंट्स बताए हैं, इसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ आप करंट की अगर एग्जाम्पल इसमें डालते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये चीज़ मेरी हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो भी आप पॉइंट्स डालें, अगर उसमें करंट्स डाला जा सकता है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के बारे में आप लोग अपने शब्दों में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ये सब मुझे, ये कॉमन टॉपिक है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके उत्तरदायी कारण कौन कौन से होते हैं, ये जो अपराध होते हैं महिलाओं के विरुद्ध, इसमें कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं? तो सबसे पहला कारण है सामाजिक। सामाजिक कारण में क्या क्या कारण होते हैं, जैसे कि परिवार में होता है कि भारतीय परिवार में ज़्यादातर कि लड़कों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है लड़कियों की अपेक्षा, इसीलिए गर्भ में ही लिंग परीक्षण कराया जाता है। अगर लड़की होती है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है और लड़के को समाज में बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। और समाज में बालक और बालिकाएं जो होती हैं, मतलब बच्चे होते हैं, उनमें भेदभाव भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये बोला जाता है कि लड़कियों का काम ये है, लड़कों का काम ये है, मतलब पहले ही सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड है, मेल की चीज़ें अलग है, फीमेल की चीज़ें अलग है। जैसे कि अगर कहीं घूमने जाते हैं तो मेल जो होता है उसे खिलौने में बंदूक दिलाई जाती है, और वहीं फीमेल होती है तो उसे गुड़िया दिलाई जाती है। तो इस ये पहले ही सोसाइटी ने डिवाइड कर दिया है कि फीमेल है तो गुड़िया से ही खेलेगी और मेल है तो बंदूक से ही खेलेगा। काफ़ी आज के यूथ चेंज हो चुका है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कारण इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसमें और भी कई कारण हैं कि लड़कियों को कहा जाता है कि उन्हें घर संभालना है तो उन्हें खाना बनाना आना चाहिए, उन्हें साफ़ सफाई करनी आनी चाहिए। इसी तरह लड़कों को बाहर के काम में ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उन्हें बाहर का सामान लाने के लिए बाहर के काम में। तो समाज ही लड़के और लड़कियों में भेदभाव करता है, तो ये सामाजिक कारण इसके लिए बहुत ही उत्तरदायी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सामाजिक कारण में, जैसे कि रामायण की एक पंक्ति रामचरितमानस में तुलसीदास ने खुद लिखा हुआ है, ढोल गवा शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अतः हमारी धार्मिक ग्रंथ ही महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को मान्यता देते हैं। तो ये सब कारण आप इस हिस्ट्री के पेपर में लिख सकते हैं। इसमें और भी बहुत से कारण हैं, आप खुद अपने दिमाग से सोचिए और इसमें लिखिए।
नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हम ये कर सकते हैं कि प्राचीन काल से और आज तक में जो औरतें होती हैं वो अपने पिता पे, फिर पति पे और फिर बेटे पे डिपेंड होती हैं। तो भारतीय समाज में कहा गया है कि औरतें खुद इंडिपेंडेंट नहीं हैं। आज का युग ऐसा नहीं है, फिर भी काफ़ी हद तक अभी भी महिलाएं ऐसी हैं जो फिर घर में रहती हैं, घर का काम करती हैं और डिपेंड होती हैं, तो आर्थिक रूप से उन्हें कोई भी मदद नहीं है। और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आज भी औरतें जो होती हैं पति की आज्ञा के बिना कहीं आ जा नहीं सकती, उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना पड़ता है। ऐसे ही नकद बैंक में खाता खुलवाना या फिर संपत्ति में जैसे भी कोई भी फ्लैट है उसमें औरत का अधिकार, ये सब आर्थिक अधिकार अभी महिलाओं को उतनी मात्रा में अच्छी नहीं मिले हैं जितनी मात्रा में पुरुष को अधिकार मिले हुए हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का। नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी नहीं है, बहुत कम है। इसी तरह केंद्र में नीति निर्माण प्रक्रिया में बहुत कम सहभागिता होती है महिलाओं की। लोकसभा और राज्यसभा में स्थानों के आरक्षण को न्यूनता दी जाती है। विशिष्ट महिला दबाव का आप समूहों का अभाव है, मतलब कि राजनीति दलों में भी महिलाओं संगठनों का बहुत ज़्यादा अभाव है। और राजनीति में ओवरऑल मिला के हम कह सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर है, बहुत ही कम है पुरुषों की तुलना में। ये एक रीज़न है महिलाओं की विरुद्ध होने वाली हिंसा का। नेक्स्ट है विधिक कारण। विधिक कारण है कि जैसे कि विवाह, तलाक और बच्चों की परवरिश है, ये सब चीज़ें जो कानून के दायरे में आती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कानून महिलाओं के फेवर में नहीं है। अब तो काफ़ी चीज चेंज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमें यही देखना पड़ेगा कि इसमें जो विवाह होते हैं, जैसे कि मुस्लिम में था पहले 3 तलाक का जो मामला चल रहा था वो औरतों के फेवर में नहीं था, इसी तरह तलाक में भी औरतों के फेवर में कानून इतने अच्छे नहीं हैं, पुरुष प्रधान कानून बने हुए हैं। इसी तरह महिला पुलिस बल की कमी होना और न्यायपालिका में महिलाओं की कमी होना, जो कि महिलाओं के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, ध्यान देती हैं, तो महिलाओं न्यायपालिका में महिलाओं की बहुत ज़्यादा कमी है, इस कारण भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़े हैं। नेक्स्ट हम आज चर्चा करेंगे इसके परिणामों पे, इसके क्या क्या परिणाम होते हैं अगर महिलाओं के विरुद्ध अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले महिलाएं अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हो जाती है। मूलभूत अधिकार कौन कौन से होंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सब मूलभूत अधिकार हैं। तो अगर उनके विरुद्ध ऐसे अपराध होते रहेंगे तो उनको ये सब सुविधाएं प्राप्त होने में बहुत ही कठिनाई होगी। नेक्स्ट है एकांत में रहने की प्रवृत्ति। महिलाओं के साथ ऐसे अपराध होने से उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है कि वो अकेला रहना पसंद करती हैं और इतनी ज़्यादा उनके साथ हिंसा हो जाती है कि मनोवैज्ञानिक मतलब आघात हो जाता है उन्हें, मनोवैज्ञानिक तरीके से वो परेशान रहने लगती है। नेक्स्ट थर्ड है कार्यक्षमता प्रभावित। अगर वो परेशान रहेगी, उनका दिमाग मतलब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहेंगी, तो उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो भी प्रभावित होगी, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है। आत्महत्या में वृद्धि, तो ये तो ऑब्वियस है, अगर कोई मेंटली प्रेशर होगा जिसके ऊपर तो उसका नियंत्रण नहीं होगा अपने दिमाग पर, वो आत्महत्या की तरफ अग्रसर होगा। अनैतिक व्यापार में शामिल, कुछ लोग रोजी रोटी कमाने के चक्कर में और इस हिंसा के चलते अपना देह व्यापार या वैश्यावृत्ति में शामिल हो जाती हैं महिलाएं। नशे की आदि, अपने आप को डिप्रेशन से बचाने के लिए कुछ महिलाएं नशा भी करने लगती है, नशे की आदि हो जाती हैं। स्वास्थ्य प्रभावित, डिप्रेशन के कारण उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और भी जैसे यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाओं से उनको एड्स होने का भी खतरा हो जाता है, तो इससे उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये इनके परिणाम हो गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए क्या क्या सुझाव हैं। मैंने पॉइंट्स दिया है, इसका डिस्क्रिप्शन आप खुद करेंगे। सबसे नंबर 1 पॉइंट्स है विशेष अदालतों का गठन। महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं उसकी सुनवाई विशेष अदालतों के जरिए होनी चाहिए और महिला जांच ब्यूरो का भी गठन होना चाहिए इसके तहत। नेक्स्ट है
पुलिस विभाग में महिला कर्मचारियों की भर्ती, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भर्ती होनी चाहिए ताकि कोई भी हिंसा होती है, कोई भी अपराध होता है तो उसमें महिला कर्मचारी ही महिला कर्मचारियों की भावनाओं को समझ सकती हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस विभाग में महिलाओं की भर्ती होनी चाहिए। प्रभावी कानूनों का गठन, महिलाओं के संबंध में महिलाओं को हक दिलाने के लिए ऐसे कानून बनाने चाहिए जो महिलाओं के लिए हों, महिलाओं की सुरक्षा करते हों और हिंसा से उनका बचाव करते हों। पीड़ित महिलाओं की राहत पुनर्वास के लिए विशेष कोष का गठन, जैसे कि निर्भया राहत कोष का गठन किया गया है उसी तरह और भी कोषों का गठन किया जाना चाहिए जिससे जो भी हिंसा पीड़ित महिलाएं हैं उनकी राहत और पुनर्वास के लिए कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ से प्राप्त हो सके। महिला आरक्षण विधेयक आदि पारित करना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके लिए आरक्षण विधेयक पारित किया जाना चाहिए जो महिलाओं के हित में हो। प्रशासन में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी, अगर प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी होगी तो महिलाओं के विषय में ज़्यादा काम करेंगे, महिलाओं की जो भी समस्याएं हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, इसलिए प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी होनी आवश्यक है। नेक्स्ट है स्वयंसेवी संगठनों का योगदान, स्वयंसेवी संगठनों को सरकार के साथ मिलकर महिलाओं के हित में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के संरक्षण के संबंध में काम करने चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर छात्रों को प्रशिक्षण, जैसे जूडो कराटे का प्रशिक्षण देना चाहिए स्कूल और कॉलेज स्तर पर ताकि वे अपनी सुरक्षा अपने आप बाहर कर सकें, उन्हें किसी की जरूरत ना पड़े। मीडिया की भूमिका, मीडिया को महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रचार प्रसार का दायित्व उठाना चाहिए, बीड़ा उठाना चाहिए। मीडिया को समय समय पर ऐसी चीज़ों का प्रचार करना चाहिए जो महिलाओं के हितों की रक्षा करते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी, सार्वजनिक स्थानों जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया और पार्क हो गए, इन जगहों पर पुलिस फोर्स ज़्यादा तैनात की जानी चाहिए ताकि महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा सके। राजनीति में महिलाओं का योगदान, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यदि राजनीति में महिलाओं का योगदान, महिलाओं के हित में कानून बनाएंगे, महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो भी कानून बनेगा, जो भी विधेयक पास होगा वो उनको ध्यान में रखते हुए पास होगा। भारतीय धार्मिक सुधार, भारतीय धार्मिक सुधार का अर्थ है कि भारत में जो भी धर्म के अकॉर्डिंग महिलाओं के प्रति मान्यताएं हैं उन सब में सुधार आना चाहिए, अगर ये धर्म के अंदर सुधार आ गया तो महिलाओं की स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। शिक्षा सुविधाओं की तीव्र विकास, शिक्षा सुविधाएं महिलाओं को प्रॉपर रूप से प्राप्त होनी चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सकें और अपनी रक्षा स्वयं कर सकें, उन्हें किसी की जरूरत ना पड़े। शिक्षा की सुविधाएं महिलाओं को अधिकाधिक प्राप्त होनी चाहिए, महिलाओं के लिए होनी चाहिए। समाज का योगदान, सबसे इम्पोर्टेंट है समाज का योगदान, अगर समाज ही महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देगा तो और कोई भी ऊपर के काम कर लिए जाएं इससे कोई भलाई नहीं होगी, तो इसके लिए समाज को ही अपने अंदर से ही महिलाओं को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और समाज को ही अपना योगदान उनकी समस्याओं को सुलझाने में लगाना चाहिए, उनको अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी चाहिए और महिलाओं और पुरुषों दोनों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक संवैधानिक प्रावधान, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए हैं सरकार ने, हमारे संविधान विशेषज्ञों ने संविधान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, मैं कुछ इसमें बता देती हूँ आपको, बाकी आप लोग खुद सर्च करिए, थोड़ा सा इसको टॉपिक को ढूंढिए और इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं आप, वो चीज़ें आप आज के होमवर्क के रूप में करिए। अनुच्छेद 14 हमारा मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, तो मूल अधिकारों में विधि के समक्ष समता का अधिकार, इसका मतलब है कि ये अधिकार महिलाओं को भी स्पेशली प्राप्त है, विधि के समक्ष कानून के समक्ष समान है महिला और पुरुष, कोई भी अलग नहीं है इसमें। अनुच्छेद 15 का 3 इसमें है महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा सकारात्मक कदम, मतलब कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करेगी उनकी स्थिति को सशक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 यह है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार,
ये भी भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 महिलाओं की भागीदारी के लिए आता है। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी की बात की गई है। अनुच्छेद 39, इसमें कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। ये समान नहीं, समान होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, तो इसमें महिला और पुरुषों की बराबरी की बात की गई है। इसी तरह अनुच्छेद 42, इसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, काम की उचित दशा होनी चाहिए और प्रसूति सहायता का प्रावधान इसमें अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये कुछ संवैधानिक प्रावधान थे जो सरकार द्वारा किए गए हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें आप लोग लिख सकते हैं। सरकार ने अगर पूछा क्या क्या कदम उठाए हैं, तो इसमें आप बहुत सारी योजनाएं डाल सकते हैं जो सरकार ने अभी अभी चलाई हैं। मैं आपको जैसे उज्ज्वला योजना सरकार ने महिलाओं के लिए ही चलाई है विशेष रूप से, इसी तरह और भी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप इसके PDF डाउनलोड करके इस पॉइंट्स को लिख लीजिए या फिर इसे रिवीजन करके अपने शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर हम लोगों का भी इससे मनोबल बढ़ता है कि लोग हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, अगर आप लोग पसंद करेंगे तो हम इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।